हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट पे ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे सीखा रिव्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल आई व्यू एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जो भी स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो हमारी इस फ्री के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा आज का पहला स्टॉक, दैट इज DCM श्रीराम इंडस्ट्री लिमिटेड। इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए, मैंने 108 रुपीज में 19 जुलाई को मेरे लर्निंग ग्रुप में हमारे मेंबर्स के साथ शेयर करा था। और इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अभी यहाँ पे हमें कितने परसेंट का रिटर्न दिया, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो इसने ऑलमोस्ट 2 महीने 10 दिन के अंदर 43% का रिटर्न दिया, विच इज वेरी गुड एक्चुअली। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप इस स्टॉक को ध्यान से देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, ठीक है, जिस पर्टिकुलर एरिया से यहाँ पे रिजेक्शन आया था 119 का प्राइस ने उसी एरिया से रिजेक्शन लिया। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास इस तरीके से प्राइस में रिजेक्शन कैंडल बने और फॉल होना, थोड़ा सा फॉलो कि जब प्राइस रिवर्स कर जाए ना तो समझ लीजिए ये अब एक रिवर्सल एरिया बन चुका है और यहां से अब हमें बाई करना है और सिंपल इस तरीके से ये वाला एरिया ब्रेक होना ही होना है। ये मैंने मल्टीपल चार्ट्स यानी कि 200-300 चार्ट्स में मैंने सेम तरीके का पैटर्न देखा है, वही मैं आप लोगों को बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। देखिये, ये एरिया ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट होने के बाद देखिए दोबारा इस तरीके से कितना ब्यूटीफुली वे में यहाँ से ये प्राइस बाउंस करना चाह रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे जो आने वाले टारगेट होंगे, मेरा पहला टारगेट होगा 180 रुपीज के आसपास का और दूसरा टारगेट होगा मेरा 200 के आसपास का, मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में आने वाले समय में देख रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है अलकार्गो लॉजिस्टिक्स को मैंने यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया। जैसा कि आपने देखा होगा रिसेंटली जितने भी लॉजिस्टिक्स वाले स्टॉक है ना, चाहे वो माजगांव डॉकयार्ड बोल लो, कोचिन शिपयार्ड बोल लो, अलकार्गो लॉजिस्टिक्स बोल लो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोल लो, ये जितने भी स्टॉक बोल लो ना लॉजिस्टिक्स वाले, ये सारे अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ पे क्या करा है, ये एक इसका एरिया ऑफ रिजेक्शन था। देखिए, प्राइस ने यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लेने के बाद जब यहाँ से फॉल करा था प्राइस ने, देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने रिसेंटली इस एरिया को ब्रेक करा था। इस एरिया पे जितने भी बायर्स थे उन्हें यहाँ से ऑपरेटर ने निकाला, प्राइस ने रिक्लेम किया, अब यहाँ से दोबारा इस तरीके से रिटेस्ट करके प्राइस अब यहाँ से इस तरीके से बाउंस कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे क्या टारगेट्स होंगे, अगर मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता दूं, मेरा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 300 के आसपास का और दूसरा टारगेट जो मेरा इस पर्टिकुलर स्टॉक में होगा वो होगा 330 के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, दैट इज अलकार्गो लॉजिस्टिक्स। ठीक है, और आज का हमारा जो थर्ड एंड फाइनल स्टॉक है दैट इज फिनोलेक्स केबल्स को मैंने यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया, देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चला जाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने दो ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा है, एक हमारा ये वाला ट्रेंड लाइन हो गया जहां से देखिए प्राइस ने रिजेक्शन लेके फॉल करा था और उसके बाद देखिए जब उसने उसे ब्रेक किया एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट लेके प्राइस बाउंस करा था, फिर देखिए मंथली टाइम फ्रेम में उसने उसे ब्रेक करा था, यहाँ पे सस्टेन करने के बाद जब दोबारा उसने उसे ब्रेकआउट किया एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लेके देखिए प्राइस ने बाउंस करा है। ये हो गया हमारा एक ट्रेंड लाइन और दूसरा ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से मार्क करा है। देखिए, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकेंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन और अब ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये फोर्थ टाइम इसी एरिया तक रीच करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज फिनोलेक्स केबल। और एक कॉन्फ्लुएंस मुझे इसमें क्या दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने जहां से रिजेक्ट लेके फॉल करा था, देखिए प्राइस उसी एरिया को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके अच्छे से यहाँ पे बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे जो आने वाले टारगेट होंगे, मेरा पहला टारगेट होगा 1400 रुपीज के आसपास का और दूसरा टारगेट जो मेरा होगा वो होगा 1600 रुपीज के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में आने वाले समय पे देख रहा हूँ, दैट इज फिनोलेक्स केबल्स। ठीक है, तो यही थे आज के हमारे तीन स्टॉक जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक से दो वीडियो एंड एवरी मॉर्निंग में मंडे टू फ्राइडे 9:15 से लेकर 2:30 आप लोगों के साथ बैंक निफ्टी में लाइव स्ट्रीम भी करता हूं, तो आप मुझे वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे फैमिली को कहीं ना कहीं ग्रो करता है, सो डू सब्सक्राइब। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।